ये देखिए गौरी शंकर मंदिर, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली में पड़ता है। और सामने देखिए लाल किला, ये लाल किला के सामने ही गौरी शंकर मंदिर। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मैं हूँ पुरानी दिल्ली में और मैं आपको दिखा दूँ, ये पुरानी दिल्ली का बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है पहले तो थर्मिंग की जा रही है, मतलब टेम्परेचर चेक किया जा रहा है इस मंदिर में, फिर जाके जो है सैनिटाइज़र जो है जो भी होता है कि सैनिटाइज़र करना है हाथ को, फिर सैनिटाइज़र हो रहा है, प्लस जो है अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पे जो है देखिए तमाम लोगों की जो है लोग जो है आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। इसमें भी कहा जाता है कि भक्तों की जो है मनोकामनाएं जो हैं भोलेनाथ पूरी करते हैं। और शिवरात्रि में तो यहाँ पर रात से ही जो है लोग दर्शन के लिए आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस मंदिर को जो है अभी मंदिर के जो कपाट थे वो बंद कर दिए गए थे। फिर जैसे ही लोगों को पता चलता जा रहा है कि मंदिर के कपाट जो है गौरी शंकर मंदिर के जो है कपाट खोल दिए गए हैं, तो अब लोग गौरी शंकर जी के मंदिर के जो कपाट खोल दिए गए हैं तो लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर है पुरानी दिल्ली में पड़ता है, पंडित जी पुरानी दिल्ली में पड़ता है। इस मंदिर को अभी जो कपाट जो है अभी लॉकडाउन में बंद कर दिए गए थे मंदिर के, अब कब से खुले हैं कपाट? मंदिर 8 जुलाई से खुला है। 8 जुलाई से। तो जो सावधानियां बरती जा रही हैं कोरोना वायरस को लेकर के, क्या वो सावधानियां बरती जा रही हैं? कोरोना वायरस को लेकर के हमारे मगोरी शंकर मंदिर में पूर्ण रूप से सावधानियां बरती जा रही है। हर चीज़ की व्यवस्था कर रखे हैं, सैनिटाइज का भी व्यवस्था कर रखे हैं, सिंगल सिंगल आदमी दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे थर्मल स्कैनिंग होनी है, टेम्परेचर जो चेक होना था वो भी, टेम्परेचर भी चेक हो रही है। और लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का जितने भक्तगण आते हैं सब पालन करते हैं। अच्छा, इस मंदिर में जो है लोगों की काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और काफ़ी कहा जाता है गौरी शंकर मंदिर में जो है काफ़ी लोग जो है आते हैं और उनकी काफ़ी मनोकामनाएं जो पूरी भी होती हैं, ये भी कहा जाता है। ये बिल्कुल बात सत्य है कि गौरी शंकर मंदिर में जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है ये मंदिर, कम से कम 600-700 वर्ष पुरानी मंदिर है। तो क्या भक्तजनों से कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन में जो भी आ रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो मंदिर में आ रहे हैं, और जो आना चाहेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहेंगे उनके लिए कहना चाहेंगे कि जो बाबा गौरी शंकर की आकर के अपना दर्शन करें, दर्शन करके, जल तो चढ़ते नहीं हैं, जल बंद कर रखा हूँ सब कुछ, दर्शन सिर्फ दर्शन है, दर्शन करके बाहर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है एकदम पूर्ण रूप से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए किस तरीके से टेम्परेचर चेक हो रहा है, हर एक जो भी दर्शन करने जा रहा है उनका टेम्परेचर जो है चेक किया जा रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, साथ में जो है यहाँ पर अभी ये यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइज़र है, यहाँ पे छूने का भी नहीं है, अपने आप ही उसके मशीन के आगे हाथ रखिएगा और सैनिटाइज हो जा रहा है, ये देखिए, ताकि काफ़ी लोगों का हाथ जो है जैसे एक दूसरे जो है सैनिटाइज़र को लगा देते थे तो वो उससे बच सकें। देखिए लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान करते हुए पालन करते हुए जो है यहाँ पे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर जो है इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बरकरार रहे, और जो भी सावधानियाँ यहाँ पर महामारी को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर के बरती गई हैं वो बरकरार रहें, और इस महामारी को जल्द से जल्द इस देश से, हमारे भारत देश से जो है भगाई जाए। हर महादेव, हर हर भगवान की जय। ये देखिए यहाँ पे
सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया जा रहा है। और आप जब भी इस मंदिर में आएँ तो ये सावधानियाँ बढ़ती जा रही हैं, और इन सावधानियों को जो है पूरा भरपूर ख्याल रखिएगा। मास्क लगाकर आएं जब भी दर्शन करने आएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, प्लस सैनिटाइज जो है हाथ को ज़रूर करना है। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का सभी ने पालन कर रखा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये बाबा यहाँ पे अभी जल जो है वो बंद कर रखा है, क्योंकि काफ़ी जो है अभी सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह जो है यहाँ पे पालन किया जा रहा है। और ये बाबा की दर्शन, ये देखिए भोलेनाथ गौरी शंकर जी के दर्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है पूरा पालन किया जा रहा है। प्रसाद जो यहाँ पे अभी बंद कर रखा है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अभी बस दर्शन कर रहे हैं लोग और पूजा अर्चना करके यहाँ से हाथ जोड़ के जो भी अपनी प्रार्थना है वो करके जा रहे हैं। दिखा दूँ साफ़ सफाई कितनी रख रखी है, और लगातार यहाँ पे साफ़ सफाई की जा रही है। साफ़ सफाई बहुत है, कहीं भी आपको एक भी गंदगी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी कहीं भी। ये देखिए बहुत साफ़ सफाई है मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कोरोना महामारी है और सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। काफ़ी साफ़ सफाई भी है मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर एकदम काफ़ी साफ सफाई सुंदर से होती है। कोरोना को लेकर के काफ़ी रखी जा रही है, कोरोना को लेकर के उससे पहले भी बहुत सफाई हमारे मंदिर में रहती है। तो आपने देखा हमने आपको गौरी शंकर भगवान के दर्शन कराए, तो आप लोग जब भी जिस भी राज्य से हैं, आप अगर दिल्ली आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ, और आप इस मंदिर की जो महिमा है और जो बाबा के दर्शन हैं उनका आशीर्वाद लेके ज़रूर जाएं। लोगों का यहाँ पे कहना है, और जिस तरीके से हमने पंडित जी से भी बात करी थी तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो है गौरी शंकर मंदिर की जो है मान्यता है, काफ़ी पुराना मंदिर है, मनोकामना पूर्ण मंदिर है ये, इसमें जो है मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो आप जब भी आएँ गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करके ज़रूर जाएं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड बेल आइकन दबाना ना। किस तरीके से यहाँ पे जो है अभी जो है कार्य चल रहा है सड़क पर, और सड़क इस तरीके से बनाई जा रही है यहाँ पे लाल किले के सामने। ये देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे जो है काम हो रहा है, और सड़क को जो है वो भी जो है अच्छी तरीके से बनाई जाएगी सड़क को, और काफ़ी फुलवारियों से जो है सजाया जाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी लगती है, क्योंकि मार्केट्स बहुत हैं यहाँ पे, चांदनी चौक है ये, यहाँ पे मार्केट्स बहुत हैं, काफ़ी मार्केट जो है कोरोना वायरस की वजह से खुली नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि यहाँ पे हर जो सामान होता है घरेलू सामान और जो भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान्स होते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए काफ़ी दुकानें जो है अभी खुली नहीं है, परंतु अभी कम दुकानें खुली हैं कोरोना वायरस को लेकर के। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड बेल आइकॉन दबाना ना।